राष्ट्रीय जनता दल की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में राबड़ी देवी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जबकि राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में राजद के राज्यसभा के 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी थी, जिसे लेकर राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में खत्म हो गई है। इस पर जो अंतिम फैसला है वह आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को लेना है। इस बैठक के विषय में अवध बिहारी चौधरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना इस पर संभव नहीं। सामाजिक समीकरण आपका सामाजिक समीकरण के ध्यान में केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है उसमें हर बिंदु पर बातें होंगी। राज्य संसदीय बोर्ड ने क्या किया वो मैंने आपको बताया। बैठक चल रही है वो अलग की बात है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक हो गई और हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी हो रही है और बोर्ड की बैठक खत्म हो गई होती जिसमें यादव तक पहुँचे। ये कोई प्रश्न ही आपका नहीं उठता है। इसके जो है स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हम हैं, वो लोग मेंबर हैं और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो नहीं हैं। तो श्रीमती राबड़ी देवी जो हम लोगों की नेत्री है वो जो है राष्ट्रीय जनता दल के भाई से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके निगरानी और अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक स्टेट की ख़त्म हो गई, हम लोगों ने अपना रिकमेंडेशन दिया है अधिकृत करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि अपने स्तर से वो जो है चुनाव MLC के होने वाले हैं या जो राज्यसभा के होने वाले हैं उसमें उनको जो है फैसला लेना है। यह अधिकृत आप केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को स्टेट ने रिकमेंड किया है। अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, देखिए ये लोग क्या विचार। वहीं इस बैठक से निकलने के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हाथों में 2 चिट्ठी थी और उन 2 चिट्ठियों में संभवतः उन 2 उम्मीदवारों के नाम थे जिन्हें आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए मनोनीत किया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इन चिट्ठियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास गए हैं और वहां से यह चिट्ठी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास दिल्ली जाएगी और संभवतः दिल्ली में लालू यादव के हस्ताक्षर के साथ इन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। आइए सुनते हैं जगदानंद सिंह और राजद के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। और आज आए दीजिए निर्णय आप लोगों की सर, किन के नाम पे मुहर लगा? नेता प्रतिपक्ष को लेने जा रहा हूँ, आ जाने दीजिए। नाम नामो कोई गाड़ी है सर? नेता जा रहा हूँ, नेता से है नेता प्रतिपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो भी माननीय सदस्य हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के वो उपस्थित हुए और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है और विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया और संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है जी। अब ऐसा है कि जब मैं कौन लोग उम्मीदवार हैं कौन नहीं उम्मीदवार हैं वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंसिडरेशन पे है। जो राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें चर्चा के बाद यही प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत किए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।